दोस्तों अक्सर आपके पास ऐसी कोई ना कोई एक्टिवा जुपिटर वगैरह आ जाती है, जिसके अंदर होता क्या है, जब हम अपनी स्कूटी को चलाते हैं तो ऐसे में वो जो है ओवर रेस हो जाती है। जैसे कि हमारी बाइक होती है, जब हम उसको चलाते हैं तो ऐसे में वो जो है काफ़ी ओवर रेस हो जाती है, जिसके चलते वो प्रॉपर जो है स्पीड नहीं पकड़ पाती, और जिसके चलते होता क्या है कि उसकी क्लच प्लेट खराब हो गई है, ये उसका रीज़न होता है। तो यही एक रीज़न जो होता है हमारी एक्टिवा या जुपिटर में होता है, जो इसके अंदर ये क्लच वाला पार्ट होता है। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास जो है क्लच वाला पार्ट खुला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे पास स्कूटी आई है ये दो मैकेनिकों के पास से होकर आई है। अब कस्टमर ने जो है बोला कि ये जो है ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रही, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, और खोल के देखते हैं कि जब उन्होंने मान लो खोज के खोल के देखा तो यहाँ पर देखिए ये इसके जो है क्लच शू हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल ओके हैं, हालांकि इनमें कोई दिक्कत नहीं है, और ज़्यादातर मैकेनिक यही सोचते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये ओके है, मैं इनके ऊपर रेक मार्क मार देता हूँ और थोड़ा रेक मार्क से साफ करके यहाँ पर ये अच्छे से पकड़ कर लेंगे और जिसके चलते ये ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर दोनों मैकेनिकों ने ये इसी तरीके से काम किया होगा, ठीक है, जो मेरे को कस्टमर बता रहा था। तो अब यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर ये जो थे ये यहाँ पर ये फिट थे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये फिट हो रहे थे। तो यहाँ पर जो है कोई भी मैकेनिक होगा, चाहे आप हो मैं हूँ या कोई भी, ठीक है, वो क्या देखता है, ये जो ऐसे फिट हुए होते हैं इनको ऐसे ही चेक कर लेता है और ऐसे ही इसके ऊपर रेक मार्क मार देता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से वो सोचते हैं कि इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, हालांकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है लेकिन होता क्या वो है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए यहाँ पर जो है मैकेनिक भाइयों से क्या गलती हो रही थी, अब मैकेनिक भाइयों से गलती जो हो रही थी वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि जो गलती दूसरे मैकेनिक भाइयों ने की है वो आप न करें, क्योंकि कोई भी जो फॉल्ट होता है उसके लिए हमें काफ़ी बारीकी से इसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखिए, मैंने अपने कस्टमर को बोला कि मैं इसके अंदर जो ये कल शू होते हैं इनको नया डालूंगा, तो यहाँ पर अब मैं डालने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं तो इनको डालने ही वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने इनको बाहर निकाला तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर इतने ज़बरदस्ती से मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है इनमें जंग लग चुका है। अब यहाँ पर ये जंग लगने के चलते होता क्या है, ये बिल्कुल यहाँ से जो है ब्लॉक हो चुके हैं, देखिए यहाँ से बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, इसका रीज़न अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जैसे ही हमारी स्कूटी स्टार्ट होती है और जो बेल्ट वाला सिस्टम घूमता है, आगे जो वेरिएटर होता है वो जो है बेल्ट के साथ जब ये पिछले वाला इसका सिस्टम घूमता है, ठीक है, और जो यहाँ पर दिखाना, ये दिखाओ, यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसका जिसके अंदर स्प्रिंग लगा है ये ऐसे खुल जाता है, खुलने के चलते ये जो इसके क्लच शू होते हैं ये भी खुलने लगते हैं और जो इसके ऊपर एक ड्रम होता है उसको ये पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, स्कूटी तो अपना पूरा जोर दिखा रही है, ठीक है, उसके इंजन के आरपीएम जो है बढ़ रहे हैं बिल्कुल ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो हमारे इसके क्लच शू है ये जो है यहाँ से ओपन ही नहीं हो रहे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये कितना जोर ले रहे हैं, ठीक है, अभी हालांकि थोड़ा ये फ्री हो चुके हैं, यहाँ पर देखिए ये कितना जंग लग चुका है आप देख सकते हैं, जिसके चलते ये जो है यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है और ब्लॉक होने के चलते ये क्लच शू ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर ये ड्रम होता है उसको तो ये पकड़ ही नहीं रहे, ठीक है, जिसके चलते ये क्लच शू जब खुलेंगे तभी तो ये आगे बिल्कुल एकदम से स्पीड पकड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पर ये यही यही मूवमेंट इनकी हो रही है, ठीक है, यही यही ये जो है काम कर रही है, जिसके चलते ओवर रेस हो रही है स्कूटी और आगे नहीं बढ़ रही, तो इसके अंदर ये रीज़न था। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसको देखा तो मैं इसको बहुत ही ज़बरदस्ती से बाहर इनको निकाल रहा था, तो सोचा मैंने, मैं वैसे तो इनका डेली काम करता ही रहता हूँ, कोई ना कोई मेरे पास ऐसी स्कूटी वगैरह आ जाती है, तो सोचा क्यों ना आपको इसमें एक बारीकी से एक पॉइंट मैं बताऊं। तो यहां पर देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्कूटी आ जाती है तो आप उसके अंदर ये मत सोचना कि उसके ब्रेक शू अच्छे हैं, तो आपने उसको एक बार खोल के देखना है कि यहां से ये जो है फ्री है या नहीं, ठीक है। तो यहां पर ये जो है काफी जाम हो रहे हैं, ठीक है, देखिए यहां से जो है कितने ये जबरदस्ती से निकल रहे हैं, ठीक है, अब फ्री हो चुके हैं क्योंकि मैंने उनको बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपने करना क्या है, ये जो आपके यहाँ पर ये इसमें पोल होते हैं, ठीक है, आपने इनको रेक मार्ग से यहाँ पर घिसा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको हालांकि यहाँ से घिसा दिया है, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये ASK कंपनी के जो हूँ ये मैं इसके अंदर क्लच शू डालने वाला हूँ। हमें होंडा जेन्युइन नहीं मिले, कई बार मार्केट में जो है अवेलेबल नहीं भी होते हैं, एजेंसी भी नहीं होते हैं,
तो हमें मजबूरन इनको डालना पड़ता है। इनका भी रिजल्ट जो है बेस्ट है, बाद में इनका ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन बहुत सारे जो मैकेनिक भाई हैं इनका ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इनकी प्राइस लिस्ट है वो है 880 रुपये 2021 की, यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और ये आपको तकरीबन 450 रुपये के आसपास पड़ जाएंगे, 400 से 450 रुपये के आपको ये स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसके अंदर प्लस हुआ है। अब इनको डालना कैसे है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया जो मेरे पास ये क्लच शू है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको घिसा दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, ये ऐसे फ्री होना चाहिए ताकि ये एकदम से जब बेल्ट घूमेगी और ये एकदम से ऐसे ऊपर उठेगा और ये जो उसके ऊपर एक यहाँ पर कटोरा होता है, ठीक है, यहाँ पर ड्रम होता है, उसको एकदम से पकड़ ले और एकदम से राउंड बन जाए पिछले टायर के, ठीक है, और एकदम से ये पूरी पिकअप दे, तो ये इसका काम होता है। अब यहाँ पर यही इसी तरीके से जो है हमारा क्लच काम करता है, उसकी क्लच पेटें जब खुलती हैं तो वो भी इसी तरीके से काम करती हैं, और जब बंद होती हैं तो एकदम से वो झटका देती हैं, एकदम से इतनी पिकअप देती हैं, और वही काम इसका होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एकदम से क्लच घूमेगा जब और बेल्ट अपना काम करेगी तो यहाँ पर ये एकदम ऊपर उठेंगी और जो है ये हमारे ड्रम को पकड़ लेंगे और एकदम से पिछले टायर को घुमाने लगती है, ठीक है, ये इसका एक काम होता है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको दिखाया, आपने क्या करना है, इधर करना थोड़ा, यहाँ पर आपने जो है इसके तीनों पोल को यहाँ पर घिसा लेना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है कोई जंग वगैरह के कण न लगे हो। तो ये आप इसमें बात को नोट कर, आप अच्छे से इसको साफ कर लेना। देखिए दोस्तों, मैं जो भी वीडियो में नॉलेज देता हूँ वो प्रैक्टिकल देता हूँ और आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी लग रही होगी, आपको इसमें कुछ सीखने को नया पॉइंट मिला होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से, जी हाँ दोस्तों, अभी से इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप इस तरीके से पहले इसको अच्छे से घिसा लें एक रेंग मार के दोबारा जी। तो गाइस अब देखिए हमने जो है इसको अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको जो हमारे क्लच शू हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब इनको यहाँ पर डालने से पहले आपने थोड़ा यहाँ पर जो है ऑयल लगा लेना है, ठीक है, हल्का सा यहाँ पर भी लगाना है और यहाँ पर भी लगाना है, ताकि यहाँ पर ये पूरी तरह से जो है यहाँ पर ना फंसे और ना ही ये साउंड करे। तो यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर इसके ऊपर ऑयल लगा लेते हैं, तो यहाँ पर गाइस आपने जो है इनको इस तरीके से थोड़ा लुब्रिकेट कर लेना है और इनको इसमें ऐसे डाल देना है, ठीक है, यहाँ पर आप इनको ऐसे इसमें डालेंगे और यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ऐसे इसमें लॉक हो जाएंगे, ठीक है, तो इनको आप ऐसे लॉक कर लें और इसके स्प्रिंग वगैरह डाल के इसको फिट कर लें। दोस्तों जो इसके आप वेरिएटर देखते हैं, वेरिएटर के अंदर जो रोलर होते हैं उनके ऊपर आपने जो है हल्का हल्का ग्रीस लगा देना है, ताकि वो जो है वाइब्रेशन ना करें और ना ही आपके जो रोलर हों वो जल्दी से कटें। तो यहाँ पर हमने जो है इसकी इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग कर ली है, ठीक है, तो मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ। जब आप इसको ओपन करें, आपने यहाँ पर किसी छेनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर दिखाना, मैंने देखा यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से थोड़ा बांग में लगा दिया है और जो हमारे पास ये रेंच होता है इसके द्वारा मैंने इसके यहाँ पर नट को ओपन कर लिया है और इसी तरीके से मैं इसको टाइट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने जो इसके अंदर ये क्लच शू होते हैं इनकी फिटिंग कर ली है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, अगर आपके पास कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो है हमारे पास एक पेचकस होता है, इसके द्वारा आपने इसको ऐसे उठा के देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वापस जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर इन पर मैं ज़्यादा दबाव देता हूँ तो ये मुझे जो है काफ़ी जोर लगाना पड़ता है इसके ऊपर, ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो है बेल्ट को काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा था और जिसके चलते बेल्ट यहाँ पर स्लिप कर रही थी, ठीक है, ये भी उसका रीज़न है और ये तो घूम ही नहीं रहे थे, तो ये इसका एक रीज़न होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास ये क्लच शू वगैरह फिट करने आ जाएँ तो आपने इनको इस तरीके से फिट करना है। मैं दोस्तों, मैंने इसके ऊपर जो है ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है किस तरीके से हम इसकी फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर इसमें जो है इसको ओपन कर सकते हैं और कैसे इसको फिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर ये जो है हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर इसमें रख देना है और इसको ऐसे दबा के थोड़ा आपने यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा ये प्रेशर ज़्यादा लेगी, जिसके चलते हम यहाँ पर इसको एक मिनट, आप फोन पर थोड़ा एक सेकंड रख लो, आप इसको इस तरीके से लगा के इसको आपने यहाँ पर इसके नट को टाइट कर देना है। तो लीजिए ये हमारे इसके अंदर इसके क्लच शू
फिट हो गए। यहाँ पर आप थोड़ा रिंग मार्ग मार लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे हाथ काले हो रहे हैं, ठीक है। आपके अगर होते हैं तो आप इसको थोड़ा साफ कर लें। तो यहाँ पर गाइस इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप एक्टिवा या जुपिटर की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको इस तरीके से जो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये रिजल्ट होता है, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जो प्लस शू हो वो खराब हो। तो आप इनको देख लेना कि हाँ यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ ठीक लग रहे हैं, तो आप इनको यहाँ पर साफ करके और इसके बोल को साफ करके साफ करके और इसको फिट कर दे, तब भी जो है आपकी स्कूटी बिल्कुल टिक टॉप चलेगी। तो यहाँ पर उसको ये छोटी जानकारी थी जो आज मैंने आपको सुनने देना चाहिए। तो लिंक पर कम वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ इसे बोलते हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिल शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।